नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस फोरम पर आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ हैं सिंधु कुमार झा। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर। पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ें हैं जिससे देश का एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जो हवाई जहाज पर चल रहा है या जो गाड़ी चला रहा है, सिर्फ वही इससे अफेक्टेड नहीं है। गाँव का एक एक किसान, उसको भी आज डीजल के सहारे अपने खेत में पानी को पटाना पड़ता है, तो सिंचाई का काम करना पड़ता है। तो एक एक आदमी इससे जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल का और डीजल का दाम की कीमत बढ़ती है तो जो लोग बस में सफ़र कर रहे हैं, जो लोग थ्री व्हीलर में सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर से सारी चीज़ों पर, सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी, ये हम इस बात को सब जानते हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस तरह का इजाफा होना, 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा, 100 रुपये से भी ऊपर उसका कीमत चला गया है, तो ये तो बहुत बहुत ही बहुत बड़ी बात है। आज पूरा देश इसके ऊपर में चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा हो रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऑलरेडी पूरी दुनिया की, हमारे देश की त्रिकोणीय इकोनॉमी खास करके बड़ी बुरी स्थिति में है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट 7.5% चल रहा है। हमारे यहाँ हम लोग रिसेशन से गुजर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। दिसंबर CMIE का रिपोर्ट देखिए, दिसंबर का महीने के बारे में कहा जाता है कि नौकरियों में जो इम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था, अनएम्प्लॉयमेंट का, वो सबसे उच्च शिखर पर था। तो ऐसी स्थिति में नौकरियां नहीं हैं, जब ग्रोथ का रेट रिसेशन में हम लोग चल रहे हैं, इकोनॉमी का ये हालत है, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ी हुई है, और तब पेट्रोल और डीजल की कीमत पर किसी भी तरह का लगाम नहीं लगाया जा रहा है, तो ये तो बड़ा बड़ी मतलब विपद स्थिति में है पूरा का पूरा देश। इस संदर्भ में हमने झा सर से बात करने के लिए इसलिए कोशिश किया है कि मुझे पता है, व्यक्तिगत रूप से पता है कि इन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितना चक्कर लगाया होगा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, और इतने लंबे अंतराल का जो रिपोर्टिंग का उनका तजुर्बा है, इनको कई चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत रूप से पता है। तो जो मेरा पहला सवाल है इनसे, वो यह है कि पूरे प्रकरण में हमको पता है कि जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उस समय से ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में ज़्यादा इजाफा देखा गया है। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका की कीमत तय इंटरनेशनल मार्केट में होता है, खास करके तब जब हमारे यहाँ से सब्सिडीज वाला मामला, जो हमारे यहाँ से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म खत्म हो गया, पहले डीजल में, बाद में पेट्रोल में। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है। और कल इस बात पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पिछली सरकारें, मतलब कांग्रेस, अगर इसके लिए विकल्प ढूंढती, मतलब जो पेट्रोल और डीजल के लिए अगर विकल्प ढूंढा जाता, तो शायद इस तरह की स्थिति का सामना देश को नहीं करना पड़ता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पेट्रोल और डीजल बेसिकली हमेशा से ये जब भी रहा है कि इसके इकोनॉमिक्स को भी समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल का जो खेल है, इसका इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि हर 15 दिन पर ये रिवाइज करती हैं, जितनी तेल कंपनीज हैं, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। बेचने वाला है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो तमाम दुनिया के देशों में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो चीज़ें हैं जो यहाँ खरीदने वाले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो खरीदते हैं, और एक होता है प्रोड्यूसर जो इंडिया में है। तो 20% हमारा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और 80% हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब से आपने सब्सिडीज खत्म किया है और जब से इस मार्केट मैकेनिज्म के साथ, जो मनमोहन सिंह के समय में इसको जोड़ दिया गया था, उसके बाद से ही ये 15 दिन का जो सिस्टम बनाया कि हर 15 दिन पर वो रेट होता है, और उसी पर इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग भी होता है। और इसका फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अड्डा है न्यूयॉर्क, उसका जो MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ से तय होता है। और दुनिया में दो ही तरह का ट्रेडिंग होता है, दो ही तरह का ऑयल, जो क्रूड ऑयल है उसका होता है, एक तो जो ब्रेंट क्रूड है, जो ब्रेंट ब्लेंड के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो एरिया है उसमें, जो नॉर्थ सी में जो है जो निकलता है, तो उसको सबसे बेस्ट क्रूड माना गया है दुनिया में, जो हम खरीदते हैं। और दूसरा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो वहाँ पर सेल से जो निकलता है, दो तरह से निकलता है ना ऑयल, ऑयल क्रूड ऑयल दो तरह से निकलता है, एक तो सी के अंदर से निकलता है कुआं से, जिसको कहते हैं ऑयल वेल्स होते हैं, और दूसरा होता है सेल से, चट्टान से निकलता है, मतलब रॉक से निकलता है, जैसे टेक्सास में निकलता है। तो उसकी जो कीमत है वो 61 पॉइंट समथिंग है
जो आज का जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ, और ये जो हम जो खरीदते हैं उसका है 63.59 पर बैरल, ये उनका पर डॉलर एक बैरल का मिनिमम। कोई भी कंपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे हमारे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये मिनिमम है इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, ये होता है कि मिनिमम आपको 1000 बैरल खरीदना ही खरीदना है, उससे कम आप नहीं खरीद सकते। और एक बैरल में, वन बैरल में 132 लीटर्स होता है, तो ये वन ये इतना आपको 1000 बैरल जो है ये मिनिमम आपको खरीदना है। तो उसमें क्या होता है कि लोग खरीद के अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी बनाते हैं, जैसे कि कोरोना काल में आपने सुना होगा कि हम लोगों ने बनाया, तो उस समय में तेल के दाम कम हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और गवर्नमेंट ने अपना रिजर्व बनाया, लेकिन वो भी रिजर्व हमारा 2.5 साल से ज़्यादा का नहीं है। और मान लीजिए कल को वार हो जाए तो आपका रिजर्व तो खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं है कि आपका जो रिजर्व है वो लंबे समय तक चलेगा। और उसमें दूसरी बात आप देखिए, इसका मैं पहले इकोनॉमिक्स आपको समझा दूँ, क्योंकि सरकार को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो वही काम करती जो बीजेपी कर रही है। क्योंकि 24 लाख करोड़ का जो इन्होंने रखा है भारी भरकम अपना बजट, वो कहाँ से आएगा अगर एक्साइज ड्यूटी ये खत्म कर देंगे, ये जो कहते हैं 32 रुपीज एक्साइज है, तो भाई सबसे ज्यादा तो कांग्रेस का जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसका बैट है इस देश में। अगर आप बैट का रेट देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, तो श्रीगंगानगर में 100 रुपया 2 दिन पहले क्रॉस कर गया है। तो इसलिए इसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व है, उसके बाद डीलर का कमीशन, और जो आयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका अपनी प्रॉफिट। अगर वो अपना प्रॉफिट छोड़ दे, डीलर अपना कमीशन छोड़ दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसमें कम कर दे, तब तो बहुत बढ़िया है, विन विन सिचुएशन है उपभोक्ता के लिए, लेकिन कोई अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना। कल हम इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़े और उसने अजीत रानाडे किसी इकोनॉमिस्ट को कोट करते हुए उसने लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा, उसमें कहा कि जो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल और डीजल में जो कीमत बढ़ी है उसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट का कारण नहीं है, जो आप सही बता रहे हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, राइट। और उसी लेख में इस बात का भी जिक्र था कि जो एक्साइज ड्यूटी जो पहले लगता था, इस सरकार में क्या हुआ है कि पेट्रोलियम सेस पर ज़्यादा लगाया जा रहा है, इसलिए कि एक्साइज में तो आपको फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपको जो रेवेन्यू आएगा, जनरेट होगा, उसको सेंटर और स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेस में ये चीज़ नहीं है, सेस का जो असेसमेंट है उसमें वो कहा गया है, और इन चीज़ों पर सेस ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो उसमें 90% सरकार, केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है और 10% जो स्टेट्स को दिया जाता है। तो आप ये देख लीजिए, और उस पर कई लोग हैं जो इस बात को भी कह रहा है कि फेडरलिज्म पर सवाल उठ रहा है। तो जब आपको इंटरनेशनल मार्केट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, सिर्फ भाई हमको तेल खरीदना है, 90% 80% तेल हम बाहर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज दे करके, अगर हमको खरीदना है तो फिर ये बताइए कि क्या सरकार के पास, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब इस तरह की स्थिति है तो क्या सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था तेल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इतना लगा करके, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। बजट में जो देख रहा था कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो नहीं, कई एक्शन इस पर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो आरबीआई का जो रेट है, रेपो रेट या जो बेस प्राइस या जो लेंडिंग रेट, ये सब उसका प्रेशर में आ जाएगा। तो ये सब चीज नहीं चाहेगी आरबीआई जो करे, क्योंकि आपका फिस्कल करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो जैसे ही आपके रेवेन्यू में कम होगा तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। तो जो डेफिसिट जब आपका बढ़ेगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तब ये सब जितना डेवलपमेंटल वर्क है इस सब में कटौती करेंगे, तो आप कहीं पैसा गवर्नमेंट और कहां से लाएंगे, उसके पास यही है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इसी टैक्स से पैसे कमा सकती है। तो अब कोरोना में जब इतना ज़्यादा उन्होंने, कोरोना काल में इतना ज़्यादा जो दिया है किसानों को दिया है, तमाम लोगों को जो दे रहे हैं या जो भी डेवलपमेंटल का काम हो रहा है, तो ये सब सारा चीज़ जो होता है ये कहाँ से उनका होगा, ये उनमें है। एक चीज़ और समझिए कि जो कोई भी अगर सरकार हो तो उसकी ये, इसको कहते हैं ना अग्नि परीक्षा की तरह है। 73 में आप शायद जानते भी होंगे इस चीज़ को कि जब कांग्रेस के सरकार में पहली बार पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा, 73 में अरब इसराइल वार हुआ था, तो सबसे पहले तेल का दाम और गोल्ड का दाम दोनों बढ़ गया था। हम लोग बच्चा में थे तो भैया हमारी ये कहानी सुनाया करते थे, सबसे पहली बार गोल्ड का भी दाम बढ़ा, रुपया भी आपका डिवैल्यू किया गया था 73 के अरब इसराइल वार, और
अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट बैलगाड़ी पर बैठ के गए थे पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद। तो ये हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा। नहीं, सही बात है, लेकिन हमको हम तो इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं, सरकार ठीक है अगर कांग्रेस में रहती तो शायद इसे करती, मैं ये नहीं, मेरे कहने का, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये है, मैं ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जब जो जो हमारे पास इतने एक्सपेंडिचर हैं तो क्या एक यही रास्ता था भाई? कई तरह के लोग जो टैक्स का प्रपोजल दे रहे हैं, कई बार इस पर बजट के ऊपर भी कई लोगों ने कहा कि जो अपर सेक्शन है, जो रिच है, उनके ऊपर टैक्स क्या वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जा सकता था? भाई कई लोगों ने तो आपको कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाइए, कई जगह इस बात की चर्चा हो रही है। आपको पता है ना कि जो रिसेशन के बाद पूरी दुनिया में एक मेजर मैसिव डिबेट हुआ कैपिटलिज्म के क्राइसिस के ऊपर में, जिसमें बराक ओबामा से लेकर के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से लेकर और दुनिया के तमाम इंटेलेक्चुअल ने इसके ऊपर में बात किया। बराक ओबामा जैसे लोगों ने कहा कि जितने जो रिसेशन के बाद, जब से ये 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, और जितने लोग इसका फ़ायदा उठा करके बड़ी बड़ी कंपनियां ने लूटा है, तो अब इसको जो जितना इनका ट्रांजेक्शन होता है इनके ऊपर टैक्स लगाइए। आखिर करेगा क्या? देखिए, आप सरकार को खर्च करना है, लेकिन आप उन गरीबों के बारे में किसी सरकार के विरोध में समर्थन में तो बात ही नहीं है। नहीं, एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ आज गरीबों की चिंता की बात है ना, गरीबों की चिंता है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। एक चीज़ आप ये भी देखिए कि एक तरफ पेट्रोल और डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, मैक्सिमम पेट्रोल सिर्फ डीजल ही की बात नहीं है, डीजल ही चलिए वो इरीगेशन में काम आता है, या हमारा थर्मल पावर है उसमें काम आता है, हमारा रेल उस पर डिपेंड करता है, तमाम चीज़ें हैं। पेट्रोल में भी, पेट्रोल के अंदर भी सबसे ज़्यादा पेट्रोल की खपत कौन लोग करते हैं? टू व्हीलर करता है, और टू व्हीलर कौन चलाता है? लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, लेबर क्लास का आदमी, वही वही सवाल चलता है। तो ये चीजें हैं, इस चीज को समझिए। और उसी के साथ साथ देखिए कितना आयरनी है कि जब पेट्रोल की कीमत इधर बढ़ रही है तो शेयर मार्केट उधर भी बढ़ रहा है, तो शेयर मार्केट में कहां से इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है? एक चीज ये भी सरकार को समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से ये तो पूछा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और जनता पूछेगी, जनता पूछेगी। हो सकता है आपने असम में कैसे कम कर दिया, 5 रुपया कम कर दिया पेट्रोल, क्या है इसका मतलब? है आपका वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ चुनाव होने वाला है, तो आपने 5 रुपया वहाँ कम कर, लेकिन सवाल तो ये सवाल पूछा जाए। नहीं, सवाल तो ही है, लेकिन कहीं कहाँ कोई सवाल पूछ रहा है, पूरे दुनिया में इसी पर तो चर्चा हो रही है कि इतना महंगा हो रहा है पेट्रोल और डीजल, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं। मैंने देखा ट्वीट पर लेख शेखर गुप्ता का, पता नहीं किसने लिखा है कि इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसको कोई ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं, विपक्ष कमजोर है, इस इश्यूज को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। तो क्या विपक्ष कमजोर की बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी उससे प्राप्त कर रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, बैट कम कर दे, क्यों नहीं कम कर देती है? बैट नहीं कर सकती है, अगर वो बैट कम कर देगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो बहुत सारे खर्चे उसके रुक जाएंगे। लेकिन भाई देखिए, भाई राजस्थान की सरकार कैसे कम कर देगी? अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर सकती। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, आपको पता है ना कि जो जीएसटी का जो पूरा प्रकरण निकला, आज तक जीएसटी का जो जो सरकार का बकाया है सरकार दे नहीं पाई। वही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी उपाय है, इसको जीएसटी के दायरे में जब तक नहीं लाएगी जीएसटी, तब तक आम जनता को फायदा नहीं होगा। जीएसटी का जो पैसा बकाया है वो स्टेट को नहीं देना, प्रभात पटना ने लिखा कि मजाक है ये जीएसटी को, ये फेडरलिज्म के ऊपर आक्रमण है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो मौका मिलना चाहिए, और जो तमिलनाडु का आप शायद स्पीच का बात कह रहे थे जो उन्होंने दिया, कई जगह इसके बारे में वो इसलिए कह रहे थे कि चूंकि उनका एक अपर हैंड है कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज है एनर्जी का, सोलर में गुजरात ने कुछ अच्छा काम किया है। नहीं, आज तो एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मैं तो बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि सोलर एनर्जी हमारे यहाँ डेवलप, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रांस का, आप फ्रांस का पूरा देख लीजिए इकोनॉमी, फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसका एनर्जी का 90% जो है कंजम्पशन वो न्यूक्लियर एनर्जी करता है। तो ठीक है, और आपके यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का कितना है एनर्जी में? हमको लगता है 2.2% भी नहीं है। मनमोहन सिंह न्यूक्लियर का मैक्सिमम एनर्जी खर्च हो रहा है वो कोयला से हो रहा है, डीजल से हो रहा है। नहीं, ऐसा हो जाए, सोलर, प्रधानमंत्री ने तो काफी अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए, काम हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर का अटैक कांग्रेस में इसलिए था कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को खाली कॉन्सेप्ट बना के छोड़ दिया गया, उस पर कोई पहल नहीं किया गया, और वो जो लीगेसी है कांग्रेस का उनको ढोना पड़ रहा है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना है प्रधानमंत्री से, मैं भी एक देश का आम नागरिक हूँ, मैं भी वोटर हूँ, तो मेरा ये पूछने का सवाल है कि भाई जो आप जो है कि चुनाव के ही टाइम में क्यों घटाते बढ़ाते हैं? इसका मतलब है आपको वोट लेने से आपने इसको जोड़ रखा है, राजनीतिक रूप से जोड़ रखा है, मतलब वेलफेयर की बात आप नहीं सोचते हैं, इसका मतलब है।
और जब वेलफेयर की बात नहीं सोचेंगे तो जनता कभी ना कभी विद्रोह कर देगी। आप कह रहे हैं कि कोई कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, आंदोलन जो होता है जब इसका, जिसका कहते हैं कि जब जब इसका इम्पैक्ट और जब सेक्टर में पड़ेगा, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि अभी आपको तुरंत पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब किराया बढ़ जाएगा, आपका इम्पैक्ट पड़ेगा जब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तब जब लोगों का और भी बहुत सारे खर्चे पर। ये कई लोग लिख रहे हैं इस बात को कि इसको ऑर्गेनाइज बने अपोजिशन इनफेक्टिव है, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, मीडिया सरकार सरकार की तरफ ज्यादा, कई कई जगह आप देखिए। दूसरी बात एक चीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात हमने एक जगह ये भी सुना है या कहीं पढ़ा है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, इस देश में प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर हैं गैस और तेल, जिसमें रिलायंस है, केयर्न्स है, ONGC है, ONGC तो गवर्नमेंट की कंपनी है, आपने उसका जो बजट है उसमें 6,000 की कटौती कर दी है, जो आयल एक्सप्लोरेशन का उसका जो बजट था आप देख लीजिए इस बार का एनुअल बजट, उसमें ONGC का कम कर दिया गया है। और उसके अलावा जब सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं कंपनियों से डिविडेंट ले लेती है, कहती है कि 10,000 करोड़ के बदला तुम इस बार मुझे 20,000 करोड़ दे दो। तो जब तो अंतिम सवाल आम आदमी करे क्या, लेकिन चलिए फिर हम जब दूसरी बार मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी। और मैं समझता हूँ कि हमने कई चीज़ों के ऊपर में बात किया है। और फिर एक पुरानी कहावत है कि यहाँ कस्टमर जो है, हम भी कस्टमर हैं, आप भी हैं, जो कष्ट से मर जाए वही कस्टमर है, मैं यही कहूँगा। आज हमने कई चीज़ों के बारे में, जो इस बढ़ती हुई कीमत से जुड़ी हुई चीज़ें उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।